हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जांपल टू लेके चलूंगा, जिसके अंदर ये है कि टू जनरेट डेटा बाय द फंक्शन मेक क्लासिफिकेशन नीड टू बैलेंस बिटवीन एन इंफॉर्मेटिव एंड एन रिडक्टेंट एंड एन क्लासेस एट्रीब्यूट, दैट इज एक्स कॉलन कॉलन सो अगेन कॉलन प्लस दिस देन प्लस दिस, सो विल सी हाउ इट डज वर्क। ओके, so we'll copy this first of all and we'll make one more p4.py and paste here. First of all we'll run it, we'll see how it does work. Okay, so now you can see the data. यहाँ पर ये बिल्कुल अलग अलग है, येलो वाला अलग है, ग्रीन वाला अलग है और मैरून वाला पार्ट अलग अलग है, ठीक है। सो डेटा एक थ्री डायमेंशंस में स्कैटर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर जनरेट किया हमने डेटा, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एस के लर्न डेटा सेट से इंपोर्ट कर लिया मेक क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर मैट प्लॉट ली, तो मेक क्लासिफिकेशन के अंदर, अब मेक क्लासिफिकेशन हमें नहीं पता कैसे काम करता है, सो हम ये समझ लेते हैं कि मेक एस के लर्न के अंदर, इसके लर्न के अंदर हाउ डज मेक क्लासिफिकेशन वर्क्स, ठीक है। सो मेक क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है और उसके मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, सो पैरामीटर समझते हैं। पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ पर भी देखिए पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एन सैंपल्स, कितने सैंपल्स हमें जनरेट करने हैं, फिर एन फीचर्स, ये भी इंटीजर ही है, द नंबर ऑफ फीचर्स इनपुट वेरिएबल्स फॉर ईच सैंपल, हर एक सैंपल के साथ में इनपुट वेरिएबल्स कितने नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए आपको। फिर एन इंफॉर्मेटिव, ये भी एक इंटीजर ही है, द नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स, नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स कितने चाहिए। दीज आर द फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सेपरेशन बिटवीन क्लासेस, ये जो फीचर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि टू द सेपरेशन बिटवीन क्लासेस, कि हम सेपरेट कर सकें क्लासेस के बिटवीन, ठीक है। फिर एन रिडक्टेंट, सो द नंबर ऑफ रिडंडेंट फीचर्स, दीज फीचर्स आर जनरेटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स, ये जो फीचर है वो जनरेट होते हैं किसके, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स के। सो लीनियर जो कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेटिव फीचर का, उसके तहत उसके एज ये जनरेट होते हैं। फिर हो गया एन क्लासेस, एन क्लासेस के अंदर द नंबर ऑफ क्लासेस डिस्टिंक्ट टारगेट वैल्यूज टू जनरेट, कितने डिस्टिंक्ट क्लासेस हमें जनरेट करनी है। फिर रैंडम स्टेट हो गया, वो है हमारे पास ऑप्शनल, डिटरमाइन रैंडम नंबर जनरेशन फॉर डेटा सेट क्रिएशन, कितने रैंडम हमें जनरेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैंपल्स हो गए 100, फीचर्स हो गए 2, रिडंडेंट वैल्यू हमें 0 चाहिए, इन्फॉर्मेटिव 2, रिपीटेड नहीं चाहिए, क्लासेस 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड करना है, और क्लस्टर्ड पर क्लासेस, जो क्लस्टर्स हैं पर क्लासेस वो है हमारे ये। तो अब देखिए ये दो चीज़ों के अंदर आएगा, ये जो मेक क्लासिफिकेशन हो गया या मेक सर्किल हो गया, वो आपको दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ डेटा, और दूसरा जो है वो है उसका कलर डिस्टिंग्विश। तो अगर मैं ये प्रिंट करवाऊंगा, एक सेकेंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, अगर मैं इसको प्रिंट आउट करवाऊँ एक्स और वाई को अलग अलग, प्रिंट एक्स एंड वाई, इन दोनों को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ देखिए ये तो होगी आपकी पूरी पूरी अरे। तो इसकी मदद से, कॉलन कॉमा जीरो की मदद से, तो अपन ये वाली पर्टिकुलर रो को एक्सेस कर लेंगे, जितनी भी रोज हैं, है ना, और कॉलन कॉमा वन की मदद से अपन इसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स और वाई प्लॉट के अंदर ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू अब हमारे पास में आ गई। फिर हमारे पास में सी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, कि किसका अलग अलग, जैसे ये दो पॉइंट हो गए एक्स वाई की, ये दो पॉइंट हो गए, तो इसका कलर क्या होगा, तो कह रहा है कि इसका कलर 0 होगा, इसका दूसरे का 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया,
तो अगर आप इसकी साइज देखोगे, लेंथ देखोगे अरे की, तो वो दोनों की बराबर आए, क्योंकि ये हर एक कोऑर्डिनेट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये उसकी वैल्यू होगी। तो फीचर्स हो गए, अगेन मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, फीचर्स जो कि नंबर ऑफ फीचर्स हमें चाहिए ईच सैंपल के लिए, कितने नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए, तो वहां पर हमने डाला 2। रिडेंडेंट, रिडेंडेंट कह रहा है कि नंबर ऑफ रिडेंडेंट फीचर्स, कितने रिडेंडेंट फीचर्स चाहिए, मतलब दीज फीचर्स आर जनरेटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव फीचर्स। वो हमें 0 चाहिए, इंफॉर्मेटिव फीचर्स हमें 2 चाहिए, ठीक है। फिर रिपीटेड हमें 0 चाहिए, फिर क्लासेस हमें 3 क्लासेस में डिवाइड चाहिए, एन क्लस्टर्ड पर क्लास, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए पर क्लास में, वो 1 चाहिए, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अगर मैं इसको 2 करूँ तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, ये 0 और 1 के बिटवीन ही वेरी करेगा अगर मैं इसको 2 करूँ, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बिटवीन वेरी कर रहा है। अगर मैं इस रिपीटेड को 1 कर दूँ तो आप चेंज देखिएगा कि रिपीटेड को 1 करने में क्या है कि एक वैल्यू, नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव और रिडेंडेंट एंड रिपीटेड फीचर्स मस्ट सम टू लेस देन द नंबर ऑफ टोटल फीचर्स। अच्छा, वो उससे कम होना चाहिए, तो क्लास से ये हुआ। फिर इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ ये क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, क्लस्टर पर क्लास किया तो ये एक और चेंज आया हमारे पास में, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर 3 किया और यहाँ पर 2 किया तो ये एरर दे रहा है हमें, ठीक है। तो मैं इसको फिर से 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको प्लॉट करवा के देखता हूँ, स्कैटर। ये तो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी से सीधा सीधा है, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, सेपरेट वैल्यूज क्लासिफिकेशन के तौर पे क्रिएट हुई है। अगर मैं सैंपल्स बढ़ा दूँ, 100 से 1000 कर दूँ, तो क्या चेंजेस आएगा? ये देखिए, डेटा और बढ़ गया। अगर मैं इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करूंगा, अगर मैंने और ज्यादा इंटेंसिफाई किया, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। सॉरी, डेटा बहुत ज्यादा बड़ा ले रहा है, 10,000 तक ही करके देता हूँ। जितना बड़ा डेटा उतनी ज्यादा, मतलब यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाए। चलो, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। फिर है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। इसके अंदर हमने क्या किया, रैंडम मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्रिएटेड बाय फंक्शन मेक मेक मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन के अंदर हम जब आउटपुट निकाला तो 2 बेसिस पे आउटपुट आया, तो स्कैटर करवा रहे हम, ठीक है, और इसको डिस्प्ले भी करवाया। तो डिस्प्ले करवाया तब ये तो एक तो इस फॉर्मेट में डेटा आया, X1 X2, ठीक है, इस फॉर्मेट में डेटा आया, और ये लेबल्स की फॉर्मेट में डेटा आया। तो देखिए, स्कैटर में हमने क्या भेजा, सबसे पहले समझते हैं क्या हो रहा है। हमने मेक मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन को इम्पोर्ट किया, पांडास को भी कॉल किया और इसको भी कॉल किया, मैट प्लॉटलिब को भी कॉल किया। तो सबसे पहले हमें ये 2D क्लासिफिकेशन डेटा सेट आ गया इन फीचर्स की मदद से, वही सेम फीचर्स अधिकतर, तो ठीक है, ये हमें वैल्यूज भेजनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में और, तब समझ में आएगा ये अलग अलग फंक्शंस के बारे में, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये फंक्शंस हमने कॉल किया, ठीक है। फिर हमने पांडास से डेटा फ्रेम एक क्रिएट किया। डेटा फ्रेम में क्या किया,
कि पांडास के डेटा फ्रेम में एक्स ग्रुप में तो हमने ये X1 और X2 मतलब लिखा, नाम लिख रहे हैं हम एक्स एक्सेस की मदद से, X1 एंड X2 क्रिएट किया, दो कॉलम्स इसके क्रिएट किए। वाई की मदद से हमने लेबल्स को क्रिएट किया, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लिया ना दो लेबल्स को, कि एक हो गया 0 और एक हो गया 1, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। सो ये pd.concat करके हमने इसको वो किया, और फिर बाद में इसके जितने भी हेड्स हैं उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। सो डिस्प्ले हेड, और उसके साथ में ही हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज हाउ इट डज वर्क। सो फिर बाद में हमने डेटा फ्रेम की मदद से ही, एक एक डेटा फ्रेम की मदद से ही एक्स वाई और जो उसका कलर है वो हम भेज देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, इस तरीके से काम करेगा। एक बार मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। इसमें एक और फाइल बना लेते हैं, p5.py plus s। ये pd.display आएगा, और गलती आ रही फिर भी। इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट डज वर्क। तो हम इसको यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर को अपने अकॉर्डिंग। ये बड़ा और छोटा करके हम देख लेते हैं, ये अच्छे से क्लस्टर हो रहा है, और बेसिकली 2D क्लासिफिकेशन डेटा सेट है। हमने जनरेट किया 2D क्लासिफिकेशन डेटा सेट को, तो हम कितने सैंपल्स करना चाहते हैं, इनके फीचर्स कितने होंगे, क्लासेस कितनी होंगी, इसके अंदर लेबल्स कितने होने चाहिए, ठीक है। लेबल्स हम 1 भी कर सकते हैं, बेसिकली हम 2 जनरेट कर रहे हैं लेबल्स यहाँ पर। फिर अलाउेबल अनलेबल्ड जो है वो बुलियन वैल्यू है जो कि हमने ट्रू की है, रैंडम स्टेट्स ने बोला है 23 के बिटवीन, सो इट शुड बी बिटवीन द 23 बिटली। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको बोला, और फिर ये डेटा फ्रेम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। हम पांडास की मदद से हम डेटा फ्रेम बनाकर इसके अंदर ये कर दिया, ठीक है। सो दिस इज इट। फिर ये है जनरेट टेस्ट डेटा सेट्स फॉर रिग्रेशन। रिग्रेशंस के लिए अलग अलग डेटा सेट्स हैं, ठीक है, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।